मैं डॉक्टर कमलेश अग्रवाल आज आपको मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में बताना चाह रहा हूँ। बरसात के मौसम में जहाँ एक तरफ हरियाली, पिकनिक, मौज मस्ती का माहौल बना रहता है, लेकिन साथ में ये बीमारियाँ भी लेकर आती हैं। इन बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है उसके बारे में आज आपको बताना चाह रहा हूँ। इन बीमारियों में सबसे महत्वपूर्ण है मलेरिया। मलेरिया जैसा कि आप सब जानते होंगे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नामक कीटाणु से होती है और मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलती है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो पानी के अंदर अपने अंडे या लार्वा पैदा होते हैं, तो इसको पनपने से रोकने के लिए हमको मच्छर पानी आसपास इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इस तरह के जो पानी है मादा एनाफिलीज मलेरिया के जो मच्छर के जो है वो गंदे पानी के अंदर पनपते हैं, यानी कि जैसे आसपास यदि नाली वगैरह रहती है या पानी कहीं इकट्ठा रहता है, गंदा पानी पड़ा रहता है तो उसके अंदर, तो इसको अपन को नालियाँ साफ रहनी चाहिए, गंदगी आसपास नहीं रहनी चाहिए। वो साथ में इस तरह का जो मच्छर होते हैं वो नाइट में काटते हैं, रात में काटते हैं, तो रात में काटने से बचने के लिए हमको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। साथ में इस तरह की क्रीम आती है यदि जिसको लगाने पर जो मच्छर नहीं काटते तो वो क्रीम काम में लेना चाहिए, या मच्छरों को भगाने के जो अन्य साधन रहते हैं जैसे कि ओला और गुड नाइट वगैरह जो भी है वो हमको काम में लेना चाहिए। मलेरिया की तरह ही एक और बीमारी है जिसका कि कोटा बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, जिसने पिछले साल बहुत भयावह रूप धारण किया था, वो है डेंगू। डेंगू के मच्छर मलेरिया के मुकाबले दिन में काटता है, वो ये ज़्यादातर साफ पानी में पनपता है, तो इसके लिए हमको जरूरी है कि जो ऊपर की पानी की टंकियाँ रहती है वो टंकियों बिल्कुल साफ होनी चाहिए और उसके अंदर ढक्कन लगा होना चाहिए ताकि इसके मच्छर नहीं पनपे। वो आसपास कहीं भी कहीं किसी भी चीज़ में यदि पानी इकट्ठा हो रहा तो उसको अपन को फेंकना चाहिए, वो पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसके मच्छर दिन में काटते हैं, तो दिन में काटने अब दिन में हम सोते नहीं, दिन में हम जो भी काम करते हैं या बच्चे पढ़ाई करते हैं तो हमें पढ़ाई करते वक्त ही ध्यान रखना चाहिए मेरे जो कपड़े हैं वो पूरी तरह ढके होना चाहिए। यदि ढके नहीं होते तो मच्छर काटते हैं तो उसके अंदर डेंगू होने के चांसेस रहते हैं, तो अपना शरीर पूरी तरह कवर्ड होना चाहिए। वो जहाँ पर भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ भी हम रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट भी मच्छरों से फ्री होना चाहिए, उसके अंदर हमको जो भी मच्छरों को भगाने के संबंधित साधन है वो काम में लेना चाहिए। इसी तरह से एक और बीमारी जो कि बरसात के मौसम बहुत कॉमन है वो है उल्टी दस्त। उल्टी दस्त की बीमारी जो है वायरस या बैक्टीरिया के कारण फैलती है, वो ज़्यादातर मक्खियों से फैलती है। कोई भी अपन ने कोई फल खाया, फल पर यदि मक्खी बैठी है उसमें कीटाणु, उसके पैर में जो कीटाणु है वो कीटाणु फल के द्वारा अपने शरीर में चले गए और उसके कारण हमको उल्टी दस्त होती है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी यदि फल खाते हैं तो हम उसको अच्छी तरह से साफ करके खाएं, उस पर गंदगी नहीं रहना चाहिए, बट ढककर कोई भी चीज़ है ढकी हुई होनी चाहिए, हम यदि कोई खाने का आइटम है वो भी ढका हुआ होना चाहिए। लेकिन इन सब सावधानियों के बावजूद भी कई बार बीमारियाँ होती है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, स्टूडेंट के लिए तो जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टूडेंट का यदि आप कोटा में कितने स्टूडेंट हैं, सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यदि जो अगर एक दिन का भी टाइम यदि वेस्टेज होता है तो वो उनके लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार बच्चे बाहर रहते हैं, ये नहीं रहता कि यार एक कहीं जा रहे हैं, कहीं यदि जो अगर एक डॉक्टर को दिखाने जा रहा है तो क्या यार कि वहाँ पर तो दो घंटे लाइन में लग जाएंगे, इससे तो बढ़िया है कि मैं जो मेडिकल स्टोर से दवाई लेता हूँ। इस चक्कर में मेडिकल स्टोर से दवाई लेना कई बार घातक रहता है, क्योंकि पता नहीं रहता है कौन सी बीमारी है, मलेरिया, डेंगू है, क्या है, और वो चीज़ कई बार विकराल रूप धारण कर लेती है और वो परेशानी का कारण बन जाती है। जहाँ पर दो दिन में ठीक होना था उस बीमारी में 10 दिन लग जाते हैं और कई बार इसके चक्कर में पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से यदि कई बार पेरेंट तो रहते ही साथ में, तो यदि कभी ज़रूरत पड़ी तो रात में दिखाने जाना है, तो रात में कहाँ पर दिखाने जाने का ये बड़ी परेशानी का कारण है। राधा कृष्ण क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल की तरफ से बच्चों के लिए एक विशेष कार्ड रखा है, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड,
उसमें सेवाएं लेने पर आप साल भर तक निःशुल्क दिखा सकते हैं। उसमें कैरेट होम की सुविधा भी प्रदान की गई, जिसके द्वारा कि बच्चे को हॉस्टल में ही डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ जाकर के वहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चे जो भी हैं, बच्चों के लिए हम विशेष टाइम का वो तैयार किया है, ताकि बच्चों को कभी भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बच्चों का टाइम खराब नहीं होगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड है, उस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाभ उठाएं। धन्यवाद।